एक चीज़ हम जो बार बार बात करते हैं, जो कि अदीन ने भी बात की कि गुड हम जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसको हम अंडर द कारपेट कर देते हैं, बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, हर दफ़ा ये नहीं होगा कि हमारे ओपनर सिंगल हैंडेडली जिता देंगे, हमारा मिडल ऑर्डर एक्सपोज होगा। वंस जब हमारा मिडल ऑर्डर एक्सपोज होगा, सो व्हाट इज़ योर सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान मिडल ऑर्डर? देखें, जो अच्छी मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ होता है या किसी भी इदारे में जो हायर आर्की होती है, वो यही होती है कि जब मुश्किल टाइम होता है, मुश्किल टाइम के लिए आपको तैयारी करनी होती है। अच्छा टाइम तो देखो हर चीज़ अच्छी लग रही है, हर चीज़ बेहतरीन लग रही है, मगर आपने वर्स्ट कम सिनारियो, जिस तरह आप देखें शाहीन अफरीदी जब इंजर्ड हो गए तो पूरी टीम पाकिस्तान क्रिकेट में पैनिक का बटन हो गया कि जी अब क्या होगा, अब हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, किस प्लेयर को, वहाँ पर जाके नसीम शाह को डेब्यू कराया गया। और वही है कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी तैयार नहीं होती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो शाहीन के या ए के टूर्स इसीलिए कराए जाते हैं कि वहाँ पे आपको जो ही कोई रिप्लेसमेंट आपकी लाइक टू लाइक आपको चाहिए होती है वहाँ से आप प्लेयर ले लेते हैं, मगर हमारे यहाँ होता है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे स्टेट अवे बंदा तब पाकिस्तान टीम में चला जाता है। जो मिडिल टीयर होता है जहाँ पे लड़के की डिवेलपमेंट और वहाँ पे बेहतरी आनी होती है, वो चीज़ मिस आउट कर देते हैं। तो हम लोग जब जब बुरे हालात के लिए तैयारियां नहीं करते, तो मिडल ऑर्डर की जो आप पर्टिकुलरली बात कर रही हैं, उसका मैंने जो पहले बात की थी वो यही है कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने जाना है तो उन्होंने स्ट्रेट अवे हिट आउट करना है, क्योंकि हमारे जो नंबर ओपनर्स हैं वो 10-12 ओवर एटलीस्ट खेल जाते हैं, तो जो मिडल ऑर्डर के लिए एटलीस्ट आपको 10 तो नहीं बल्कि 6-7 ओवर मिलेंगे, तो उसी में आपने अपने आप को फिट इन करना और परफॉर्म करना है। और दूसरी मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटली उन प्लेयर्स को स्किल वाइज भी और मेंटली भी तैयार करें कि आपने आपकी ये जॉब है, लड़कों को अपना रोल पता होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक प्लेयर्स को अपना रोल डिफाइन नहीं होगा टीम में, और मैचअप की भी आप बात करें, कल देखें बेन डकेट ने इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोग मैचअप पे थे कि जब नवाज बॉलिंग करेगा तो मैंने जाके बैटिंग करनी, और जिस तरीके से उसने स्वीप शॉट्स खेली उस तरीके से आप देखें हमें भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम लोग देखिए बॉलर्स की स्किल्स की हमेशा बात करते हैं कि यॉर्कर्स स्लो बॉल बाउंसर, मगर हमने कभी भी मिडल ऑर्डर में ये चीज कभी डिस्कस नहीं की कि बैट्समैनों को भी तो अपनी शॉट को डेवलप करना है, ये जो रैंप्स होते हैं, ये रिवर्स स्वीप होते हैं, ये कब हम देखिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप हारे, मैथ्यू वेड ने जिस तरीके से वो दो शॉट्स खेली, तो हम लोगों को तो रियलाइज कर लेना चाहिए इस वहां से कि अब ये मिडल में ये क्रिकेट जब तक हमारे प्लेयर नहीं खेलेंगे, हम सीधी अब बॉलर्स इतने क्लेवर हो गए हैं कि आपको सीधी हिट नहीं खाएंगे, तो इसलिए आपको नई शॉट्स नई डिवेलप मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलने के लिए आपको चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। राइट यासिर, वैसे आपको लगता है कि अब ये मीडिया का प्रेशर है या क्या सिलसिला है, दोनों टीमों की अप्रोच टुवर्ड्स दिस बायलेटरल सीरीज थोड़ी मुख्तलिफ नजर आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों को थोड़ा जरा है, टीम हारेगी, हमें हर जगह जितवाना है अपनी टीम को। इंग्लैंड हैज गॉट एन आई ऑन द T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज जिस तरह वो अपने कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, पहला मैच जीतने के बावजूद उन्होंने लियाम डॉसन को अगले मैच में खिलाया एंड ही बोल्ड रियली वेल। आई मीन वरना आमतौर से कहा जाता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं करें जी, ऐसे ही खिलाइए। दूसरा, कल टॉस जीत के, अब हम तो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मोइन अली ने गलती की, पहले बैटिंग जो है उनको नहीं करनी चाहिए थी, बट हो सकता है कि वो अपनी इस चीज़ को भी टेस्ट कर रहे हों कि यार क्या हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करके एक इम्पोजिंग टोटल देके डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। सो आज के मैच के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इंग्लैंड दो तब्दीलियां करके आएगा, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी जॉस बटलर बाय द वे। ESPN क्रिक इन्फो का ये कहना है कि जी ओली स्टोन्स आ सकते हैं मैच खेलने के लिए और टॉम हेल्म अपना डेब्यू कर सकते हैं। सो ऐसे ऐसे नाम है जिन्होंने हमने सुने भी नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका बात की गई, इनकी बात की है, बिल्कुल उन्होंने बोला है कि जी कपल ऑफ चेंजेस हम कर सकते हैं। So, आपको लगता है कि दोनों टीमों की द वे दे आर टेकिंग दिस सीरीज इज डिफरेंट? पाकिस्तान को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वर्ल्ड कप तो होगा होगा हमें इमीडिएट, लेकिन इंग्लैंड हैज गॉट एन आई ऑन द फ्यूचर परहैप्स? देखिए अदील, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमारी जो तैयारी होती है इसी तरह होती है। पिछले वर्ल्ड कप में हमने आखिरी मिनट पे कोचिंग स्टाफ चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, बल्कि फाइनल तक पहुंचने लगे, तो अब उसकी फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। हम वही वाले स्टूडेंट है जो आखिरी दिन किताब खोलते हैं। बिल्कुल, तो हमें चेंजेस जो है ना, चेंजेस में मुझे लगता है जो मैंने सुना है थोड़ा सा, वो विल जैक्स एक इनके प्लेयर है
सरे के लिए खेलते हैं, ओवल इनविंसिबल हंड्रेड्स के लिए भी खेले, तो वो एक अटैकिंग बैट्समैन है और उसके साथ साथ वो ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी करते हैं, तो मुझे ये है। बाकी आपने ओली स्टोन की बात की, ओली स्टोन ऑलरेडी मेरे ख्याल से टेस्ट खेले हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मगर यहाँ पे जितना मर्जी फास्ट बॉलर हो इन पिचेस पे कोई उनका काम नहीं है। बिल्कुल, कल जो है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं सुहेल, उन्होंने इन दोनों के लिए सवाल पूछा था, बिकॉज डोमेस्टिक में बहुत अच्छी रेप्यूटेशन रखते हैं विल जैक की भी, जिस तरह आपने बात की, तो वो उनसे सवाल पूछा गया था। सो मुइन अली ने यही कहा था कि यू विल सी देम प्लेइंग वेरी सून, तो मे बी आज ही आप देख सकें कि वो खेलेंगे और खेलते हुए दिखेंगे। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने मैचअप्स की तो बात की, बट जहाँ आप मिडल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक जो हमें इशू आ रहा है वो ये आता है कि हम चेंज ऑफ प्लान, जब भी हमने ब्रेवरी से, जब भी हमने बहादुरी से चेंज ऑफ प्लान किया, नवाज को ऊपर प्रमोट किया, वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। बट एक हमारा रेगुलर जो मिडिल ऑर्डर बैटर है, अगर हमारे ओपनर्स ज्यादा टाइम खेल लेते हैं, ज्यादा ओवर्स जो हैं वो खेल लेते हैं, सो अगर आखिरी 7 ओवर के लिए आ रहा है, तो उसकी अप्रोच वो नहीं हो सकती कि वो एक्यूमुलेट करे, वो अपना स्वीट टाइम ले और फिर खेले, फिर जोड़े रन। और अगर वो 3 ओवर बाद आ रहा है, तो डेफिनेटली वो आके फॉरन हिट आउट नहीं कर सकता, वो टाइम ले सकता है। ये जो चीज है, ये शिफ्ट है, ये प्लान बी पे शिफ्ट होना, आपको लगता है कहीं ना कहीं एज कैप्टन बाबर नीड्स टू लर्न मोर? अगेन देखें, बाबर ऑब्वियसली टाइम के साथ कप्तानी उनकी बेहतर भी हो रही है, और एशिया कप में हमने देखा अच्छी कप्तानी उन्होंने, बुरी नहीं की, बस थोड़ा सा उनकी अपनी फॉर्म जो है वो उनकी कप्तानी में थोड़ी उनकी झलक नजर आ रही है कि थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर अपनी फॉर्म को लेकर, मगर कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो बेहतरी आएगी। मैनेजमेंट भी है, जिस तरह मैंने पहले बात किया, ये फास्ट ट्रैक फॉर्मेट है, इसमें आपने प्लान जो है हर ओवर के बाद, इवन बॉल टू बॉल आपने जो ऑपोजिशन, जो आपके बैट्समैन अगर कोई आउट होता है तो नए बैट्समैन के लिए डिफरेंट प्लान होते हैं, तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, एक स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द ऑपोजिशन, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको आगे प्लान किया होता है कि आपके पास प्लान ए नहीं है तो प्लान बी, तो आपके पास नहीं ए चलता तो प्लान बी आपके पास होता है, तो इस तरह की चीजें अगर होनी चाहिए प्लेयर्स, और आई एम श्योर के पाकिस्तानी मैनेजमेंट और ये प्लेयर्स, इनके जहन में ये चीजें हैं और ये प्लान करके जाते हैं। जहां बात आती है एग्जीक्यूशन की, वहां पे मुझे लगता है, देखिए यही खुशदिल है, यही इफ्तिखार है, और यही अगर एक आधा कोई प्लेयर मिडल में है तो डोमेस्टिक में आप देखें ये परफॉर्म करते हैं, इनमें एबिलिटी है, मगर जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग इंप्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि हैदर अली की हम देखें, इतनी लोगों ने सपोर्ट की, सोशल मीडिया में सपोर्ट की, टीम में भी आ गए, खेल भी गए, मगर फिर अगेन जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो वहां पे जो है, मैं जो शुरू में मैंने अपनी बात की थी कि स्किल लेवल भी, फिटनेस लेवल भी, उन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में वो साइकोलॉजिकल, जो प्लेयर्स के माइंड में क्या चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो हमारी मैनेजमेंट को डेफिनेटली इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बात हमेशा फिटनेस की करते हैं। देखिए, जितना मर्जी अच्छा स्किल लेवल हो आपका या फिटनेस हो, जब तक आपके दिमाग में आप रिलैक्स नहीं है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं जा रहे, तो आप परफॉर्म नहीं।